ओके देखे, चलो फोकस इधर। टाइप्स ऑफ स्टेंजा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अपन ने कछु के नाम कल देखे थे 6 लगभग, आज सामने पूरे हैं, है ना। नाम एक बार अपन प्रोनाउंस तो कर ही ले, देख लें कि क्या है। हाँ वो बताएंगे क्यों नहीं आया, हम बताएंगे। सुनो, द मोनोस्टिक, क्या ये एक बार प्रोनाउंस करते जाना साथ में। कपलेट, टेर सेट या ट्रिपलेट। टेरजारेमा, क्वाट्रेन, क्वांटेन, इसको क्वांटेट भी बोलते हैं। क्लियर। सेस्टेट या सेस्टारेमा। चौसेरियन स्टेंजा है ना, या राइम रॉयल। क्लियर। नेक्स्ट ओटावा, सॉरी ऑक्टेव और ओटावा रिमा। और लास्ट है, लास्ट लास्ट स्पेंसेरियन। क्लियर। टोटल 10, इस 10 में ही ज्यादातर मतलब 99% लिटरेचर समा गया, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 50% को रखते हैं। मतलब समझ में आ रहा कि ज्यादातर वही वही चीज आपको रिपीट मिलेगी लिटरेचर में। ओके, टाइप ऑफ स्टेंजा का मतलब सीधी बात यह है कि थोड़ा सा हमने ये समझा था कि एक पोयम का सब एक छोटा हिस्सा। पोयम का कौन सा हिस्सा? छोटा हिस्सा, छोटा हिस्सा, सबसे छोटा नहीं बोल रहे, एक एक पार्ट, एक हिस्सा एक पोयम का। अब स्टेंजा का बेसिक मतलब समझो कि होता क्या है। स्टेंजा में जनरली एक पूरी बात कही जाती है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टेंजा क्या है? तो स्टेंजा में एक पूरी बात कही जाती है। बात आए समझ में? मतलब वो बात पूरी खत्म होती है तभी तो हम उसको स्टेंजा बोल पाते हैं। जनरली कभी कभी नहीं होती, लेकिन 90% टाइम बात खत्म होती है। हाँ तो ठीक है, हल्का सा ओवर भी समझो तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा लाइन माइन के बारे में, बाकी फिर डीपली अपन अंदर जाएंगे। द मोनोस्टिक का मतलब होता है पूरी एक लाइन का स्टेंजा। अब एक लाइन है और स्टेंजा बोल रहे हैं, तो भाई एक लाइन की भी स्टेंजा होती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कोट, कोट मतलब अच्छी बात है, ज्ञान की बात है, अपन कहते हैं ये महापुरुष ऐसी ऐसी बात कह गए। अच्छा सर, आया समझ में? लेकिन ये ज्यादा हम पे ध्यान देना जो बता रहे हैं। मोनोस्टिक क्लियर, एक लाइन में पूरी बात बोलना। कपलेट दो लाइनों का सेट। क्लियर, जिसकी राइम इसकी मैच करती है, या तो ए ए होगा, बी बी होगी, या सी सी होगा, दैट्स इट। नाउ टेर सेट या ट्रिपलेट, तीन लाइनों वाली कोई भी कविता। तीन लाइनों वाली कोई भी कविता, एक पोयम का एक पार्ट मतलब स्टेंजा। क्लियर। नेक्स्ट टेरजारेमा, ये भी एक इन्हीं में से एक हिस्सा है। क्वाट्रेन का मतलब आप जानते हो, चार लाइन का एक कोई भी। देखो अब समझो, किसी ने पूछा था बैलेड, हाँ क्वाट्रेन के अंदर बैलेड होता है, मतलब क्वाट्रेन का एक टाइप है बैलेड। बैलेड का टाइप क्वाट्रेन नहीं है, चार लाइनों की कोई भी पोयम जिसमें से हम एक जानते हैं कि वो बैलेड भी है। क्लियर। चार लाइनों की बैलेड, हम उसको क्वाट्रेन बोलते हैं। इसमें चार पांच टाइप होते हैं, अलग अलग नाम वाले, अलग अलग चीज़ों वाले, है ना, जिसकी राइम स्कीम से ही पहचानना होता है कि क्या होता है। क्लियर। अ क्वांटेन, है ना, हाँ ये एक टाइप है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। फिर सेस्टेट या सेस्टारेमा, बड़ा इजी है इनको पता करना कि कितनी लाइन होती है इनमें। कितनी होती? देखो क्वाट्रेन चार, ट्रिपलेट ट्रिपल तीन होती है, कपलेट कपल दो, मोनो मतलब होता है कोई भी एक चीज होना, तो मोनो। कुछ आ रहा समझ में? हाँ। चीजों को पहचान रखे कि उनने पूछा कि इसमें, मान लो कि उनने पूछ लिया आपसे कि क्वार्टर में कितनी लाइन होती है, तो क्वार्टर का मतलब पता है हमें कि चार, क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा, चार, ट्रिपल का मतलब पता है हमें तीन, है ना, कपल का मतलब पता है दो का जोड़ा, कपल का मतलब अपन जानते हैं ना, कपल्स दो का जोड़ा, कपलेट से कपल, कपलेट कपल। सेस्टेट, सिक्स की फीलिंग आ रही है, सिक्स, जी हाँ, ये रोमन लैटिन की कहानी है कि वहाँ पे, सॉरी इटालियन वर्ड है एक सेस्टा, उसी सेस्टा से ये कहानी बनी, सेस्टेट, छः सिक्स सेस्टा या सेस्टेट। क्लियर। नाउ अब आ जाए हम, देखो चौसेरियन स्टेंजा, सीधी बात है, इन महान, इस महान व्यक्ति के नाम पे है, जानते हो कि चौसेरियन, चौसर कौन है? द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, है ना, मतलब इंग्लिश
कविता के पितामह, पिता कहा जाता है। इसी स्टेंजा को राइम रॉयल भी बोलते हैं। अच्छा, रॉयल का मतलब होता है शाही, राइम मतलब होता है एक शाही राइम। अब शाही राइम क्या मतलब है? बहुत सुंदर होगी, बहुत कछु। हाँ, तो इसके सीधा सा मतलब ये है। हाँ, उसने थोड़ा सा बताया, इसका हिस्ट्री बता रहा थोड़ा सा। पहली चीज तो ये 7 लाइन की होती है, 6-7 लाइन की होती है, और सुनना, 7 लाइन की होती है। और ये राइम रॉयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि किंग आयरलैंड के, किंग शायद आयरलैंड, हाँ आयरलैंड के जो किंग थे जेम्स फर्स्ट, उन्होंने एक अपनी पोयम लिखी थी, है ना, द किंग इज क्वाइट ऐसा कुछ था। तो उनने यूज किया राजा ने, तो राजा के नाम की वजह से ये चल गया कि बोलने लगे राइम रॉयल। मतलब शाही परिवार ने यूज किया, खुद उसने लिखा था राजा ने, है ना, उस टाइम पे। क्लियर? फिर ऑक्टेव, आठ, ऑक्टेव हाँ, या ओटावा, आठ। क्लियर? साफ दिख रहा है ना, आठ। अब स्पेंसेरियन, ये तो पता ही है अपने लिए, अपने सबसे पहले इसी को रटे थे। कितनी लाइन होती है? 8 लाइन होती है, और नहीं 9 लाइन होती है, फिर 8 लाइन, नो ऊपर 9 लाइन, एक 9 लाइन होती है, हां 9 लाइन होती है, 8 लाइन उसके आयम्बिक पेंटा, हां पेंटामीटर, और उसकी 1 लाइन होती है, क्या बोलते हैं, हेक्सामीटर, हेक्सामीटर। और भी कोई नहीं राइम, इसमें भी बोली ना राइम, हां राइम स्कीम, ए बी सी और सी, हां वेरी गुड, है ना, पूरा याद होना चाहिए, अच्छी बात है, है ना, इनका भी याद करके रहेंगे जिस दिन अपना वहाँ पे, जब आपका एक अलग से पेपर होगा इसका, तो कम से कम आप इसको क्या कर पाओ, अच्छे से डिटेलली, मतलब इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे पाओ। बात क्लियर है, है ना? तो कल हम आज इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ये हो गया है अपना। अब यहाँ से अपन पकड़ के पूरा इन सब को कम्प्लीटली निपटा देंगे। क्लियर? चलो इसको सम अप करें। ओके, नहीं ऑफ़।